इतिहास हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है। इतिहास को जितना अधिक पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसकी परत दर परत खुलती ही जाती है। इतिहास में कई अनगिनत रहस्य समाये होते हैं जिनसे हर कोई अनजान होता है। आज भी भारतीय इतिहास में ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जिनमें ढेरों राज छिपे हैं, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार हमेशा से प्रयत्न करते आ रहे हैं। आज अपने इस वीडियो में हम आपको भारतीय इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं व रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सदियों पुराने। बिहार की सोन भंडार गुफाएं। बिहार की सोन भंडार गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं मगधन राजा बिंबिसार के जमाने की हैं। ये गुफाएं एक बड़े पत्थर द्वारा बनाई गई हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि बिंबिसार राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल किया करता था। जब बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डाल दिया, तब उसके आदेश से उसकी बीवी ने राज्य का खजाना इन्हीं गुफाओं में छिपाया था। इन गुफाओं में आज भी संकलिपि में लिखित शिलालेख मौजूद हैं। अंग्रेजों ने खजाने को हासिल करने के लिए दरवाजों पर तोप के गोले बरसाए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। नाना साहब का लापता होना। नाना साहब 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को ललकारा था। विद्रोह के बाद नाना साहब अचानक एक दिन गायब हो गए। आज भी ये किसी को नहीं पता कि उनके द्वारा लूटा हुआ खजाना कहाँ है। बताए तो ये भी जाता है कि वो खजाने के साथ नेपाल भाग गए और अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। ब्रिटिश काल से लेकर आज तक नाना साहब और उनका वो खजाना एक रहस्य बना हुआ है। गुमनाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। ये सभ्यता रहस्यमयी व अनेक अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी है। जिन लोगों ने इस सभ्यता की शुरुआत की, उनके बारे में आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुराने सिंधु चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई समझ नहीं पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित असंख्य रहस्य हमेशा के लिए धरती में समा गए, इसलिए भी सभ्यता को समझना काफी मुश्किल है। भूतों से पीड़ित कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर कुलधरा नामक गांव है। आज ये गांव नाम मात्र का गांव रह गया है। 100 साल पहले इस गांव में पालीवार ब्राह्मण रहते थे, लेकिन एक रात अचानक 1500 लोग इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बताया जाता है कि दुष्ट शासक सलीम सिंह द्वारा इस गांव पर लगाए गए भारी लगान की वजह से लोग गांव छोड़कर चले गए। ये लोग जाते जाते गांव को एक श्राप भी देकर गए। आज तक जिसने भी इस गांव में रहने की कोशिश की, उसकी मौत हो गई। इस वजह से इसे भूतों से पीड़ित गांव भी कहा जाता है। महान सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय रत्न। सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय रत्न आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माने जाते हैं। इतिहास के जानकारों का मानना है कि जब कलिंगा का युद्ध हुआ था, तब उसमें 1,00,000 लोगों की जाने गई थी। उसके बाद सम्राट अशोक ने अपने 9 रहस्यमय रत्नों का एक गुट बनाया था। इन 9 लोगों में से हर एक व्यक्ति के पास किसी एक विषय का ढेर सारा ज्ञान था, जिसमें पर्यटन, विज्ञान और युद्ध कौशल जैसे विषय शामिल थे। आज भी 9 रहस्यमय रत्नों के बारे में किसी के पास पूरी जानकारी नहीं है। मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के असफ जाह शासन के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान अपने गहनों व खजानों के संग्रह के लिए जाने जाते थे। सन 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर शख्स का सम्मान दिया था। बताया जाता है कि उनके द्वारा संग्रहित किए गए गहनों और खजानों को उनके मृत्यु के बाद भी कोई ढूंढ नहीं पाया था, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सारा खजाना आज भी हैदराबाद के कोठी पैलेस में छुपा है जहां निजाम रहते थे। चरामा की एलियन नुमा शैल चित्र। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके बस्तर के चरामा गांव के पास प्राचीन गुफाएं हैं। इन गुफाओं के पत्थर पर एलियन जैसे दिखने वाले चित्र पाए गए हैं। कुछ चित्र उड़न तस्तरी के भी हैं। इन गुफाओं की खोज करने वाले पुरातत्ववादी J.R. भगत कहते हैं कि चित्रों में चेहरे अलग तरह से दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA को इस मुहिम में मदद करने की मांग की है। जयगढ़ किले का शाही खजाना। जयगढ़ का जयवाना किला सबसे बड़े पहियों वाली तोपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये किला साथ साथ ही साजिश व खजानों की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जंग जीतने के बाद अकबर के रक्षा मंत्री मान सिंह ने युद्ध में जीता हुआ सारा खजाना इसी किले में छुपा कर रखा था। सन 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किले में खजाना और पानी की टंकियां ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लामा तेंजिन की 500 साल पुरानी मम्मी। हिमालय में स्पीति के पास घुइन नामक एक छोटा सा कस्बा है, जहां प्राचीन काल में खुद की मम्मी बनाने की संस्कृति देखने को मिलती है। इस कस्बे के एक छोटे से कमरे में 500 साल की मम्मी संरक्षित करके रखी गई है। ये मम्मी 15वीं शताब्दी के महंत सांझा तेंजिन की बताई जाती है, जिसकी त्वचा और सिर के बाल आज भी पूरी तरह से ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक रहस्य का विषय है। आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ताइपेई से टोक्यो जाने वाले विमान में उनके साथ क्या हुआ था। आज भी ये आजाद भारत का सबसे अनसुलझा प्रश्न है। कहा जाता है कि वो गायब होने के बाद भारत आए थे, लेकिन इस बात के सबूत किसी के पास नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले साधु गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। क्या पता इन अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर आप ही में से किसी एक के पास हो। अगर आप इन रहस्यों के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।